वो सम्मान नहीं कर सका, लेकिन फिर भी उस बच्ची के निवेदन पर वह जो है उसे अपनी जेब से जो है पैसा निकालता है एक मुट्ठी और उसकी टोकरी में डाल देता है। लेकिन वह बच्ची खुशी के जगह मायूस हो जाती है। मायूस होने के बाद वह लेखक उस बात को समझ जाता है कि बच्ची मायूस हो गई है, मतलब हमने बहुत भारी गलती कर दी है। उस बात के बाद जो है वह लेखक तो पैसा टोकरी से निकाल के वापस दे देती है। इतना स्वाभिमान है भारत का, यहाँ के लोग स्वाभिमानी है, खाने पाने डालने के लिए मर जाते हैं, लेकिन कभी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। उस बच्ची को पैसा जब बच्ची ने पैसा जब वापस किया तो लेखक की आंखों में आंसू आ जाता है। और उसके बाद पुनः जो है जगह न रहने के बाद भी वह सामान को खरीदता है और जब पैसा सामान के बाद जब पैसा देता है वह बच्ची अपने पैसे को लेकर के अपने कमाई को लेकर के अपनी झोपड़ी की ओर भागती जाती है, मतलब उसे खुशी प्राप्त होती है। यह भारत का स्वाभिमान है। वह लेखक जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब मिला तो भारत की गरिमा के बारे में बातें की, कहा कि भारत जैसा कोई पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, न तो ऐसा कोई धर्म है, न तो ऐसे कोई कमी लोग है। हमारे कहने का मतलब यह है सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरा विश्व पढ़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, पूरा प्रदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम अच्छे अच्छे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, तमाम ब्रेक में उठा करके बच्चे संघर्ष लगे हैं प्रतियोगिता में, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, रातों दिन अचार रोटी खा कर पढ़ रहे हैं। किस लिए? यदि हम सफल हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी आने वाली पीढ़ी भी समझ जाएगी और हमारे गुरुओं का भी सम्मान बढ़ जाएगा। जिस विद्यालय से हम पढ़ के आए हैं, जिस विद्यालय से हमें ऊंचा गरिमा की बातें मिली है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, ये सारी बातें जो है उस दिन काम आएगी जिस दिन हमारा बच्चा सफल हो जाएगा। इस तरीके से एक तो गांव का नाम, एक तो देश का नाम। जैसे अभी अभी आपके बीच में कोविड 19 का जो संघर्ष हमने झेला है, इसमें तमाम सरकार ने तमाम तरह से लोगों के साथ कार्य किया है, गलत कार्य भी किया है, अच्छा कार्य भी किया है। प्रशासन से देहात में उनके घर तक पहुंचाने में भी कुछ लोगों ने मदद किया है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके नाम पर चंदा लेकर के अपनी झोली को भरा है। आज की सरकार को हमको पता नहीं लगता है कि ये सरकार जैसे अंग्रेज गए काले आ गए, काले का शासन भी अंग्रेज की तरह है, बस देखने में नहीं लगता है कि यह अंग्रेज है कि ये काले है, यह गांधी की आजादी है, ये सुभाष चंद्र बोस और भगत की आजादी नहीं है, जो चाहते थे वो आजादी मिल रही। एक घटना और छोटी सी बता रहा हूं एक कहानी के माध्यम से सत्यकर्म क्या होता है। एक चिड़िया थी जंगल में आग लग गई, ध्यान से सुनो, जंगल में आग लग गई और सारे जंगली महाबली जानवर जो थे, जो अपने को खूब लगाते हैं कि मैं शेर का जंगल का राजा शेर हूँ, और तमाम बड़े बड़े विशाल का जानवर है जो छोटे छोटे जानवरों का बच्चा करते हैं, सारे लोगों ने उस जंगल को छोड़ के बाहर चले गए। लेकिन देखिए स्वाभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, हम छोटे बड़े की बात नहीं करते, कुछ तो बहुत बड़े हैं जो अपने बड़ाई और अपनी सुंदरता पर खंडन करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कर्म करो, अपने आप को समझाओ, शिक्षा ऐसी अमोल रत्न है, प्राप्त करने के बाद आपको समस्त लोग जो है नतमस्तक होंगे आपके सामने। आज हम यूट्यूब पर देखेंगे एक विकलांग व्यक्ति आईएएस हो गया, तमाम अधिकारी उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, अरे छोटे बड़े लोग जो है बुजुर्ग लोग उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उसकी बात कोई टाल नहीं सकता क्योंकि ऐसे पद पर है। हम यही चाहते हैं हमारे बीच के बच्चे ऐसे पद पर जाए, ऐसे देश की सेवा ऐसे पद पर जाए, वो जाए तो घुसखोरी का काम न करें, वह सत्कर्म का काम करें, किसी से कुछ लेने देने से कुछ नहीं होता है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, सत्कर्म करिए। बता दें घटना,
जंगल में आग लग गई। एक जंगली एक चिड़िया है, जंगली चिड़िया देखे आप लोग आपके आस पास में जो लोग बैठते हैं, वह गौरैया चिड़िया जो है बगल में नदी थी और नदी से पानी अपने चोट में बहती है और उस जंगल में गिराने का काम करती है। वो सारे लोग हंस रहे हैं, देख लो गौरैया का एक औकात में कितना है और चोट में पानी भर के आती है और जंगल में जाने का काम करती है ना। तो गौरैया जवाब देती है, दो बार तीन बार सुनती है, फिर जवाब देती है, कहती है कि हंस लो हंस लो हंस लो है। आग बुझाने में सिर्फ मेरा नाम आएगा और तुम लोग का आग है हंसने में नाम आएगा तुम लोगों का, ठीक है ना। मतलब सत्कर्म की बात है, करते रहो है, फल की इच्छा मत करो, आग बुझे या न बुझे उससे मतलब नहीं है। वह चिड़िया छोटी है, उसने संघर्ष किया, आग बुझाने का काम करना प्रारंभ किया, लेकिन जो भी परिणाम हो लेकिन संघर्ष किया, संघर्ष करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और तमाम बातें सर जी लोगों ने बताई है और आपके फिलॉसफर परम आदरणीय पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ बातें कही है बच्चों के प्रति। उन्होंने कहा है संघर्ष करते रहो, करते रहो, तब तक करते रहो जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। संघर्ष करो नागर गोल और इसी चरण शर्तों के साथ मैं समस्त शिव समस्तों की बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए और यह जैसे सर जी के कहे हुए कथन को अंकुर आत्मा